हाय गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णश्री जोरा। तो आज है तोतोरो का और एक अन्नप्राशन, मतलब आज तोतोरो हमारे घर पे अपने मामा के हाथ से फिर से खाना खाने वाले हैं। और ये है तोतोरो का मामा, मतलब हमारे शोंजू दादा, जो सभी काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आप लोगों को पता है, पहले आप लोग इनसे मिल चुके हो। तो दादा का नाम है शोंजित। तो मामा के हाथ से जो तोतोरो है वो खाने वाले हैं। तो मामा ने गिफ्ट किया है एक प्यारा सा पंजाबी, आप लोग देख सकते हो। और एक्चुअली ये कुत्ता पजामा है, और मामा को भी मिल रहा है तोतोरो की तरफ से एक पोलो टी शर्ट। तो श्रियांश को देख सकते हो, श्रियांश भी यहाँ पे आए हैं, जो गिफ्ट लेना देना हो रहा है वहाँ पे देखने के लिए। तो अभी तोतरों को गिफ्ट कर रहे हैं तोतरों के मौसा जी एक सोने की अंगूठी, देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा सोने का अंगूठी है, और बहुत ही प्यार से पहना रहे हैं। और हाँ, श्रियांश को क्या क्या मिला है बर्थडे पे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत कुछ मिला है एक्चुअली, ये सब चीज़ तो कुछ नहीं है, आशीर्वाद और सभी का प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो देख सकते हो बहुत खुश है तोतरो, और तोतरो का अच्छा मतलब गुड नेम है मृगांको, आप लोगों को शायद पता है। अभी दोनों रेडी है, मतलब मामा भांजा दोनों रेडी है खाना खाने के लिए, खिलाने के लिए। और मेरे पीछे बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है, उसके लिए सॉरी। मृगांको डांस कर रहे हैं और श्रियांश रो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो श्रियांश का रोना। तो ये है खाना, खाने में यहाँ पे देख सकते हो है स्टीम्ड राइस, साथ में है एक प्लांट का फ्राई, मतलब बैगन भाजा, आलू भाजा, गाजर भाजा, और साथ में है माछ भाजा, मतलब फिश फ्राई, और फिश हेड का भी फ्राई है। तो इस थाली पे है ये, और दूसरी वाली थाली पे आएगा बाकी खाना। तो मैं सर्व कर रही हूँ बाकी का खाना भी, जिसमें है बीच में है पायस मतलब खीर, साइड में है टू काइंड्स का फिश करी, एक फिश है कतला फिश, और दूसरी वाली है प्रॉन, मतलब जो गोल्डा चिंगड़ी होता है उसका करी, चिकन, टमाटर का चटनी, दाल, और है केबेज का साग फिश हेड डाल के, बेंगोलीज में ये कॉमन है। और यहाँ पे नींबू और खीरा भी है, और साथ में और एक थाली है जिसपे है मिठाई, जैसे कि है यहाँ पे मिष्टी दोई और रसगुल्ले। तो इसी से आज होगा फिर से अन्नप्राशन मृगांको का। तो आप लोग अभी एंजॉय करो, और मृगांको को, श्रियांश को, गुनगुन को, सभी को भर भर के आशीर्वाद करना, क्योंकि उनका लाइफ अभी स्टार्ट होने वाला है। तो ऑलरेडी गुनगुन का तो लाइफ स्टार्ट हो गया है, फिर भी उसको भी बहुत सारा आशीर्वाद करना, दुआ में उन तीनों को याद रखना, और हमारी फैमिली के लिए भी बहुत सारा दुआ करना।
तो हमारे मृगांको तोतरो तो खा चुके हैं, और अभी है मौसा जी और अपने पापा का टाइम खाने का, और साथ में बैठे गुनगुन भी, मतलब उसका दीदी। तो यहाँ पे है श्रियांश, अभी सो चुके हैं, और यहाँ पे मेरी मासी और मधुमिता आंटी, आप लोग पहचानते हो, दोनों आए हैं श्रियांश को, सॉरी तोतरों का आशीर्वाद करने और तोतरों का जो अन्नप्रशन है उसमें पार्टिसिपेट करने। तो देख सकते हो तोतरों कितने खुश है। तो श्रेयांश तोतरो गुनगुन के मामा जी अभी निकल रहे हैं, और मैं यहाँ पे परोस रही हूँ। मैं कैमरे के पीछे बहुत काम कर चुकी हूँ तो इसलिए आप लोग मुझे नहीं देख सकते हो, और गुनगुन का मूड थोड़ा सा ख़राब है, ऐसे ही कोई बात नहीं। तो उसको कैमरे में आना भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो खा रही है, तो उसकी मम्मी फ़ोटोशूट कर रही, वीडियो शूट कर रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। ये है मेरी दीदी तोतरो का मम्मी। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये है प्यारे प्यारे मोमेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, बाय, स्टे हैप्पी। नेक्स्ट ब्लॉग में श्रियांश का बर्थडे गिफ्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।